होप आप सब अच्छे होंगे। आज फॉर अ चेंज मैं बाइक पे वीडियो ना बनाकर अपनी जिप्सी में वीडियो बना रहा हूँ। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बहुत आराम से घर पे रहते हुए कैसे ये एक्सेलेटर पैडल चेंज कर सकते हो। सो आप देख सकते हो ये काफ़ी पुराना है और इसमें काफ़ी प्ले आ गया है। सो ये मैं पूरा यूनिट चेंज करूँगा। मैंने कुछ 2-3 साल पहले मैंने खरीद रखा था, जो कि मुझे पड़ा है समवेयर अराउंड 1100-1200 रुपए का। सो ये पैडल है, ये क्लैंप है और ये एक स्प्रिंग इसके साथ आता है। सो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से 15 मिनट पे आप घर पे ही इसे फिक्स कर सकते हैं, रादर देन मैकेनिक के पास जाके खर्च करने का। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस पैडल को इस क्लैंप में फिक्स कैसे करें। ये बहुत सिंपल है, आपको इस पैडल को लेके यहाँ इंसर्ट करना है इस होल में। थोड़ा इंसर्ट करने के बाद आप इस स्प्रिंग को लेके ऐसे इस रॉड में फंसा लें, फिर इसे आप इंसर्ट करके इस वाले होल से बाहर निकाल दें। ये होने के बाद आप स्प्रिंग को यहाँ पे फंसा लें और इसको ऐसे पीछे पुश कर दें और फिर इस पार्ट को हमें यहाँ ले जाकर यहाँ इस होल में फिक्स करना है, जो कि आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ताकत लगा के पुश करके और वहाँ पे फिक्स करना है। चलिए मैं इसको फिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, ये आराम से इसमें फिक्स हो गया है। अब ये एक कंप्लीट यूनिट बन गया है जो यहाँ फिट होगा। अब देख सकते हैं ये एग्जैक्टली उसी की तरह हो गया है। अब मैं आगे से वायर लूज करके और फिर इस वाले वायर को निकालूंगा। ये विजिबल है यहाँ पे, ये जो एक्सेलेटर वायर है इसको फ्रंट से पहले लूज करना पड़ेगा, फिर यहाँ से मैं इसको निकालूंगा, फिर ये सारी यूनिट फिक्स करूंगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ 2 बोल्ट्स। यहाँ ये फिक्स करूंगा और फिर इस पे मैं ये वायर लगा दूंगा और फ्रंट जाके फिर से जो लूजन वायर है उसको वापस फिक्स कर दूंगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वायर लूज करके यहाँ निकाल दिया। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसे रोटेट करना है पूरा और ये वायर को खींच के यहाँ निकाल देना है और फिर आपको ये पैडल यहाँ से खोलना है, इन दो बोल्ट्स को जो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है इसको आप निकालेंगे। दोनों बोल्ट खोलने के बाद ये पूरा यूनिट बाहर आ जाएगा। आप इस वायर को यहाँ से निकाल लें, ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ से वायर निकल जाएगा और फिर आप ये नया यूनिट यहाँ फिट कर सकते हैं और सेम वायर को आप इस पे यहाँ लगा लें। आप चाहे तो इस वायर को थोड़ा ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऑयल हो तो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पुराने पैडल से वायर को निकाल दिया है और अगर आप एक्सेलेटर वायर चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा ही सिंपल प्रोसेस होता है। पैडल यहाँ फिक्स्ड रहता है, बस आपको फ्रंट से वायर लूज करनी है, पीछे आकर यहाँ से ये वायर निकल जाएगा और फिर आपको इस पार्ट को पुश करके ये पूरा केसिंग बाहर आ जाता है और
फिर फ्रंट पर जाकर आपको यहाँ से ये दो नट्स लूज करनी है, और फिर ये जैसे वायर ये फिक्स किया हुआ है, ये वायर को खींच के बाहर निकालना है, और एज इट इज़ आपको सेम इसमें वायर नया फिट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये एक्सीलेटर वायर लगा दिया है, ये बहुत आराम से इसके अंदर लग जाता है। अगर आप चाहें तो इस वायर को थोड़ा लुब्रिकेट कर सकते हैं किसी ऑयल से, या सिलिकॉन है आपके पास तो वो लगा सकते हैं। और उसको फिट करने से पहले आपको ये एक एडजस्टमेंट बोल्ट लगाना होगा। मेरे केस में मैंने एक नया बोल्ट ले लिया, ये 10 नंबर का बोल्ट है, जो आपको बस इसके पीछे यहाँ टाइट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बोल्ट इसमें लगा दिया है। ये बोल्ट बेसिकली आपके एक्सीलेटर लेवल को एडजस्ट करने के लिए है कि आप उसको किस लेवल पे रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें। इस बोल्ट को टाइट करने के बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लिया है, आप इसको यहाँ लगा के चेक कर लें कि ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और आपके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इसमें टाइट कर दिया है, और फ्रंट में जो मैंने वायर निकाला था उसको भी मैंने इसमें वापस डाल दिया है। अब मैं इसे स्टार्ट करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से मैंने इस एक्सेलेटर पैडल को इसमें फिट कर दिया। मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे, एंड इट्स वर्किंग फाइन। और मैं इस पर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप ये पुराने पैडल को रिपेयर कराना चाहते हैं तो ये भी रिपेयर हो सकता है, बट मेरे पास ऑलरेडी नया सेट था इसीलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इज़ मैं कोई रेगुलर ब्लॉगर नहीं हूँ, बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस पर शेयर किया है जो लॉजिकल है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।